Welcome to concept videos on physics on fingertips. Our topic is fluid dynamics. पहले हमने डिस्कस किया था फ्लूड स्टैटिक्स के बारे में, फ्लूड मैकेनिक्स के पार्ट वन के बारे में. अब हम बात कर रहे हैं फ्लूड डायनेमिक्स, जो कि फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट टू है. तो इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले फ्लूड के मोशन की कंडीशन में स्टडी और एनालाइज करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में. तो फ्लूड डायनेमिक्स क्या है? फ्लूड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट मोशन ऑफ फ्लूड. ठीक है, अब जब फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इसमें जो फ्लूड लेकर चलेंगे हम, वो कौन सा फ्लूड लेकर चलेंगे? आइडियल फ्लूड. तो आइडियल फ्लूड का हमने पहले भी डिस्कस किया था, आइडियल फ्लूड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. आइडियल फ्लूड एक ऐसा फ्लूड होता है जिसमें दो प्रॉपर्टी होती है. एक तो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल. क्या होता है ये? इनकम्प्रेसिबल, यानी इसके डेंसिटी में कोई इम्पैक्ट ना हो. साथ में नॉन विस्कस. इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी जो रो है ना, वो यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है. और नॉन विस्कस का मतलब जो विस्कस फोर्स होता है उसका वैल्यू कितना होता है? विस्कस फोर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो ये हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर? फ्लूड डायनेमिक्स के अंदर. तो देखिए, फ्लूड डायनेमिक्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रीमलाइन, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं.